हाय दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर आप लोग के लिए एक नया वीज़ा नई कंट्री के साथ लेके आया है। ये वीज़े के बारे में जानने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, बीच में वीडियो स्किप ना करें। अगर बीच में वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोग को फुल डिटेल पता नहीं चलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट के वीज़े के बारे में बात कर लेते हैं। वीज़ा कहाँ का, क्या डिमांड है, क्या सैलरी है, पूरा डिटेल जो है इसका देख लेते हैं वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए वीडियो में। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर कतर बी आर के कंपनी सी वी सिलेक्शन ओनली मुस्लिम के वाई सी वीज़ा रेडी। तो इसके अंदर जो है वीज़ा रेडी है, और जो है बी आर के कंपनी है, ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसी का काम है। इसमें जो है मस्जिद क्लीनर की जॉब है। क्वांटिटी तो बहुत मांगा है, 200 बंदे की ज़रूरत बोल रहा है। पता नहीं इतना लेगा कि नहीं लेगा, मगर लिखा है और डिमांड आई है। सैलरी में अगर बहुत कम दे रहा है, 1000 सैलरी दे रहा है, खाना भी उसी में बोल रहा है, तो सैलरी तो कम दे रहा है। और रहना वहना सब कंपनी का, मेडिकल वेडिकल पूरा कंपनी का है। 2 साल का कंट्रैक्ट है, 8 घंटा ड्यूटी है इसकी, 6 दिन ड्यूटी 1 दिन छुट्टी है, अदर बेनिफिट एज पर कतर लेबर ला। तो इसमें जो है भाई सैलरी जो है कम है, ड्यूटी तो इसकी जो है कम है, 8 घंटा ड्यूटी, कोई ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, मगर सैलरी 1000 दे रहा है। खाना भी जो है बोल रहा है उसी में मिलेगा, तो बहुत कम है। आया है डिमांड कतर का, तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड होगा जाने के लिए तो जाएगा, क्योंकि इतने कम में तो कोई जाएगा नहीं। मेरे को मालूम है 1000, अगर 1200 भी सैलरी, 300 1300 भी सैलरी होती तब भी बंदे, बस यही है कि मस्जिद में थोड़ा हदिया उदिया मिलता है, टिप मिल जाता है, वो अलग चीज़ है। वो तो मिलेगा नहीं मिलेगा किस्मत के ऊपर है, और सैलरी पर डिपेंड होकर आदमी जाएगा ना जो भी जाएगा। फिर भी भाई जिसको अगर जाना होगा मस्जिद क्लीनर में दुबई में, अरे कतर में, तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है हमसे। सैलरी 1000 है, मैं बता दिया हूँ डिटेल खोल के। खाना आप लोग करेगा, रहना वहना सब जो कंपनी देगी, 8 घंटा ड्यूटी रहेगी, और वीकली ऑफ है, 1 दिन जो है छुट्टी है हफ्ते में। आप लोग इसमें क्या है ना, एक चीज़ ये फ़ायदा है कि आप लोग जो है बाहर काम कर सकते हैं। एक चीज़ ये है, ड्यूटी जो कम होती है, हम लोग भी सऊदी में काम किए हैं, तो 8 घंटा ड्यूटी वाला काम जो हल्का काम होता है ना, तो आदमी जो है 2-3 घंटा कहीं बाहर सऊदी उदी को पकड़ लिया, कहीं मजरा वजरा में काम पकड़ लिया, कहीं ऐसा वैसा काम आदमी को मिल जाता है, 500-600 आ जाता है ऊपरी, तो काम करने वाला बंदा रहेगा तो मिल जाएगा, उसके लिए ईजी रहेगा, कहीं भी जॉब कर सकता है अंदर में। ऐसा नहीं कि पकड़ दकड़ हर जगह होती है, होती है पकड़ दकड़, मगर अंदर में आदमी काम करता है, मजरा में हो गया और भी इसे काम मिलता रहता है वहाँ बाहर में, तो कर सकता है अगर जिसको जाना है मस्जिद क्लीनर में। और बाकी जो है हदिया उदिया मिलेगी, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, 100-200 महीने में खाने का खर्चा तो आ ही जाएगा। बाकी जो है 22-23 हज़ार आप लोग का बच जाएगा महीने में। बाकी अगर बाहर काम आप लोग कर लेते हैं तो फिर अच्छा 30-35 हज़ार तक आप लोग कमा सकते हैं, मगर जिसकी कैपेसिटी देगी वही कर सकता है बाहर। सबके पास की बात भी नहीं है बाहर काम कर ले, मगर जो है अपना जुगाड़ बना लेता है आदमी। अगर ड्यूटी कम है, 8 घंटा है, 7 बजे से सुबह चालू या 1 बजे तक खत्म हो गया, 12-1 बजे तक ड्यूटी खत्म हो जाती है मस्जिद में, तो उसके बाद जो है बंदा कहीं इधर उधर खोज के काम पकड़ लेता है, ऐसा नहीं है। और जो है बाकी जो है मस्जिद में थोड़ा बहुत हदिया उदिया मिलती है, वो तो मिलेगी आप लोग को। खाने होने का, खाने होने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि सऊदी उदी में जो है ना, कतर उतर में सऊदी उदी खुद ही दे देते हैं खाने पीने का, जो भी आता है मस्जिद में ना देख लेता है, हाँ ये बंदा काम कर रहा है, तो सब जान पहचान हो जाती है धीरे धीरे, तो खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने का जुगाड़ बन जाता है, पैसे का भी जुगाड़ बन जाता है। तो अच्छा काम है मस्जिद क्लीनर का, मुस्लिम बंदा ओनली चाहिए इसमें। जिसको जाना है भाई वो अप्लाई कर सकता है, कतर का है, ठीक है। मेरा नंबर पर SMS कर ले, CV सिलेक्शन उसका काम मैं करवा दूंगा इसमें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए, ओके बाय।